दोस्तों जय श्री कृष्णा। कहते हैं जब जब बांसुरी बजती थी वृंदावन कृष्ण कन्हैया की तारीफ करें मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। तो आज हम निकल चुके हैं कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर जो है बांगरोद में बना हुआ, वहाँ पर दर्शन करने के। हम भी दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो इस पावन दिन पर आपको ढेर सारी एक बार फिर से शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर प्रभु के दर्शनों के बाद अगर संत के दर्शन हो जाते हैं तो जीवन धन्य माना जाता है। तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो आज हम भी संत के शरण में आए हैं, आइए आपको उनके दर्शन करवाएं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई सब लोगों को। भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन अवतार लेकर संसार को संदेश दिया कि अधर्म के खिलाफ हमको संघर्ष करना पड़ेगा, अधर्म को समाप्त करने के लिए। अगर अधर्म का भी सहारा लिया जाए तो धर्म होता है। यदि हम सोचें कि अधर्म और धर्म की लड़ाई हो तो कभी भी हम विजित नहीं हो सकते। अधर्म को अधर्म से ही मारना पड़ता है और अधर्म से लड़ने के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र उठाया और संसार को संदेश दिया, यदि हम भी विधर्मियों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ संगठित होंगे, उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे तो देश में शांति होगी, संपन्नता होगी। जय श्री कृष्ण। तो साथियों, संत महात्मा के दर्शन, प्रभु दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं कालका माता ये सातुंडा मंदिर पर और यहाँ पे माता जी के दर्शन अब करेंगे। उसके पहले आपको यहाँ के सुंदर नज़ारों के दर्शन करवाते हैं। कई सारे डैम यहाँ बने हुए हैं। दोस्तों अभी हम माताजी मंदिर गए थे सातुंडा माताजी और अभी हम जा रहे हैं कुंडाल डैम के पास में। कोटेश्वर महादेव है जहाँ गुफा है महादेव की, और बहुत अच्छा सफ़र आज जन्माष्टमी के इस पावन दिन पर हम कर रहे हैं सभी लोग। और ये हमारे राठौर साहब एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। ये हमारे भंवर सर, ज्ञानेश जी और अरविंद साहब के साथ। तो दोस्तों ये है कुंडाल गांव के कोटेश्वर महादेव, यहाँ पर भी एक शिवलिंग अंदर है और एक शिवलिंग उधर है। और ये कुंडाल डैम का बैकवाटर यहाँ पर आपको दिख रहा है, काफ़ी गहराई है यहाँ पर पानी में। इस बार बारिश के कारण ये अच्छा खासा भर चुका है। वहाँ ऊपर उन पेड़ के सामने आपको, पेड़ के पीछे आपको माता जी का मंदिर दिखा, जहाँ पर हम जाके आए हैं कालका माता मंदिर सातुंडा वाले। और उससे लगभग 10 से 12 किलोमीटर यहाँ पर आप कोटेश्वर मंदिर पर आप